हेलो गाइस, तो दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुहा। सो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ डीयू फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। आज 10 कॉलेजेस के नाम बताऊंगी जो डीयू में रैंकिंग्स पे आते हैं। एंड रैंकिंग्स का मतलब है कि कॉलेजेस के रैंकिंग्स होते हैं जो तीन चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है NIRF की रैंकिंग, सेकेंड है NAACA की ग्रेडिंग्स होती है, उसके बाद थर्ड चीज़ है कि वहाँ पे फैकल्टीज कैसी है, कौन कौन से फैकल्टीज है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, क्या यूनिक है, उस सब चीज़ों पे रैंकिंग्स डिसाइडेड होती है। एंड साथ में बच्चों के कैसे ओपिनियंस है, स्टूडेंट्स के, टीचर्स कैसे हैं, उसके बेस पे भी ये हम देखते हैं। तो टॉप वन पे जो है वो है हिंदू कॉलेज विथ NIRF रैंकिंग 2 एंड NAAC स्कोर इज A++ ग्रेड। सेकेंड है LSR लेडी श्रीराम कॉलेज विथ NIRF रैंकिंग 5 एंड NAAC ग्रेड इज A++। थर्ड में आते हैं किरोरी मल कॉलेज जो कि NIRF रैंकिंग में है 18 में एंड NAAC की ग्रेडिंग्स में है A++। उसके बाद आता है रामजस कॉलेज एंड इसके बाद आता है आपकी मिरिंडा हाउस एंड विद NIRF रैंकिंग इज 1 एंड NAAC इज A+। उसके बाद आता है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज विद NIRF रैंकिंग 19 7th पे है SGTV खालसा कॉलेज and with NIRF ranking 28 and NAAC grade is A. Eighth पे है दयाल सिंह कॉलेज with NIRF ranking 20 and NAAC grade is A in 2017. Ninth पे है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वेमेन With NIRF ranking 46 and NAAC grade A+. And last में है Aurobindo College. तो ये 10 colleges जो है prefer कर सकते हैं for political science honors. तो इनकी जो cut off भी है वो भी high जाती है, ठीक है। तो आप इन colleges के लिए try कर सकते हैं if आपका number वो cut off rate के अंदर आ गया। इनको top 10 की list में रखा गया इन colleges को for political science honors. And इससे आपको काफी अच्छा जो है scope मिल सकता है in political science. So I hope you like this video and for more such videos, subscribe this channel, like this video if you like it and milte hain agle video mein. Till then stay tuned, bye bye.